नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक केस देखा अपने क्लिनिक पे, पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का, उसको जो है पैर में स्प्रेन हो गया था, मतलब मोच आ गई थी। अब मेन चीज़ ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि वो स्प्रेन हुआ है, मोच आई है, या फिर उसकी फ्रैक्चर हुआ है, मतलब हड्डी में बाल आया हुआ है। फ्रैक्चर अलग चीज़ होती है, नॉर्मली बोलते हैं कि हड्डी में बाल आ गया, एक्सरे करवाते हैं तो उसमें क्रैक दिखती है हड्डी पे, तो काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये स्प्रेन ही है या फिर बाल आया हुआ है। तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा इसको आसानी से समझ सकें कि स्प्रेन में क्या होता है, क्या सिम्टम्स मिलेंगे, और आपको हड्डी में अगर बाल आया हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, तो जनरली देखते हैं तो स्प्रेन होता है जो कि नॉर्मली मोच आना बोलते हैं, खास करके हम देखते हैं नीचे जो हमारे एंकल जॉइंट्स है वहाँ पर मोच आ जाती है, खास करके किसी गड्ढे में पैर गिरने से या फिर पैर जो है सडनली टेढ़ा हो जाने की वजह से वहाँ के लिगामेंट्स खिंच जाते हैं, वहाँ की जो आसपास की मांसपेशियाँ वो खिंच जाती हैं और उस कंडीशन को मोच आना बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं तो मसल्स में, लिगामेंट्स में और टेंडन में जाके खिंचाव हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, मोच आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को साइन और सिम्टम्स क्या मिलते हैं, उसमें देखते हैं कि पेशेंट को चलने में डिस्कम्फर्ट फील होता है, वहाँ पे पेन भी रहेगा, चलने में उसको प्रॉब्लम भी होगी और उसको वहाँ पे सूजन भी आ जाएगी। ठीक है, ये होता है स्प्रेन में। अब उसकी जो सूजन होती है, जो स्प्रेन की सूजन है, वो 24 से 48 घंटे में उतर जाती है। इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान से ये सुननी है कि जो उसकी सूजन है वो 24 से 48 घंटे में उतर जाएगी। ठीक है, अब जो एंकल जॉइंट में अगर आपके क्रैक आ गई है, अगर आपकी बोन में क्रैक आ गई है, मतलब वहाँ पे बाल आ गया है, तो नॉर्मली देखते हैं तो बाल का पता तो भाई एक्सरे में लगता है या फिर कोई आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे वो तो आपको इजीली एक सेकंड में बता देंगे भाई आपको इस हड्डी में बाल आया हुआ है, क्रैक आया हुआ है, आप चाहे जाके इसका एक्सरे करवा सकते हैं। लेकिन आप घर पे हैं और आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ्रैक्चर होता है, जो बोन में जो क्रैक्स आती हैं या फिर ब्रेक होती है, तो खास करके अगर बोन में फ्रैक्चर होता है, टूट जाती है, तो वो तो बहुत ईजिली पेशेंट्स को पता लग जाता है, लेकिन जहाँ पर क्रैक आया हुआ है वहाँ पर उसको कंडीशन को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सिम्टम्स देखते हैं, साइन देखते हैं, तो यही साइन मिलेंगे कि पेशेंट को असहनीय दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें लगाती हैं कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई मूवमेंट करके दिखाओ अपने पैर का, अंगूठे का, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, खास करके केस में देखते हैं जहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई बोन डिसलोकेट हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। क्रैक होना, बोन डिसलोकेट होना, साथ में पैर की मूवमेंट ना कर पाना और वहाँ पे पेशेंट को नमनेस महसूस होना कि वहाँ पे पेशेंट को ठंडापन का सेंसेशन हो रही है और वहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी पेल हो गई है। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है और आपकी सूजन नहीं उतर रही है, वहाँ पे सूजन भी आई हुई है और बहुत टच करने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपने जो है काफ़ी गर्म पट्टी कर ली है, आपने टैबलेट्स भी खा ली हैं, आपने स्प्रे भी कर लिया है और आपकी कंडीशन ठीक नहीं हुई है, तो आपको तुरंत से हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना होगा कि भाई आपकी जो है 10 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे हुए हैं, 48 घंटे हुए हैं और आपकी सूजन जो है धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 90% केस में देखते हैं कि भाई ये मोच नहीं आई हुई है, आपकी कुछ बोन के अंदर प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जरूर जाना होगा जो कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपको बताएंगे कि आपकी इस बोन के अंदर ही प्रॉब्लम आई हुई है। सेकेंड, कन्फर्म करने के लिए वो आपकी बोन का, आपके पैर का वो एक्सरे जरूर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मैं देखता हूँ जो मोच के चक्कर में पेशेंट 7 से 8 दिन लगा देते हैं, उनकी सूजन नहीं उतरती है और वो जो घर पे ही आए आसपास किसी से पट्टी करवाते रहते हैं, जी गर्म पट्टी बांध ली, हम वहाँ चले गए, हमने वहाँ पे इसको मलवा लिया, उन्होंने पट्टी कर दी और ये बाद में देखते हैं कि कंडीशन जो उनकी ख़राब होती रहती है, ना ही उनकी सूजन उतर रही है, ना ही उनका पेन कम हो रहा है और फिर भी पता नहीं वो घर पे क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जरूर जाना है, जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं उनके पास जरूर जाइए। आसपास आपके हड्डी वाले डॉक्टर नहीं है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, जो MD डॉक्टर हैं उनको आप दिखाइए, वो आपको सजेस्ट करेंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो और अब वीडियो मैंने यही बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि मैं देखता हूँ कि पेशेंट इससे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, कई बार इसमें डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नॉर्मली आप इसको क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसमें एक्सरे करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।